नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास अग्री अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेज मक्का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है, सीरियल क्रॉप है। इससे एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आइए हम वो सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जो मेज है, मेज का साइंटिफिक नेम क्या है, मक्का का जो बोटनिकल नेम है वो क्या है। तो मेज का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है जिया मेज। क्या होता है? जिया मेज होता है उसका। इसके बाद फैमिली की बात करें हम कि उसका परिवार क्या होती है, फैमिली क्या होती है, तो उसका जो फैमिली होती है परिवार वो क्या होती है, पोएसी या फिर ग्रैमिनी होती है। उसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है 2n बराबर कितना होता है, 20 होता है। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ओरिजिन प्लेस। एग्जाम में पूछा जाता है कि ओरिजिन प्लेस कहाँ है, तो मक्का का जो मेज का ओरिजिन प्लेस होता है वो होता है सेंट्रल अमेरिका या फिर मैक्सिको को माना जाता है। तो बोटनिकल नेम, ठीक है, बोटनिकल नेम क्या होता है, जिया मेज होता है। देन इसके बाद फैमिली क्या होती है, ग्रैमिनेसी या पोएसी होती है। ओरिजिन प्लेस, ओरिजिन प्लेस मेक्सिको या फिर सेंट्रल अमेरिका है। और क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2n बराबर 20 होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम आगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट, मेज इज यूजुअली क्रॉस पोली, मक्का जो किस प्रकार की क्रॉप है, तो मेज इज यूजुअली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होती है। मक्का किस प्रकार की क्रॉप होती है, तो आंसर है क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होती है। मैन इंपॉर्टेंट, क्रॉस पोलिनेटेड क्यों होती है, तो याद रखना कि मेज क्रॉस पोलिनेटेड इसके कारण होती है क्योंकि इसमें मोनोसियस कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन प्रेजेंट होती है, मोनोसियस, ठीक है। मोनोसियस कंडीशन प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, ये क्रॉस पोलिनेटेड होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेज जो होता है C4 प्लांट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेज क्या है, तो आंसर है C4 प्लांट होता है। क्लियर है, मक्का जो है हमारा क्या होता है, C4 प्लांट होता है, मेज C4 प्लांट है। देन इसके बाद नॉन टिलर प्लांट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, नॉन टिलर प्लांट। जैसे हम वीट और राइस में पढ़ते हैं कि जो प्लांट होता है मेन प्लांट, यहाँ से क्या निकलते हैं, टिलर्स निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, ऐसे इस तरह। लेकिन मेज में इस प्रकार से कोई भी टिलर्स नहीं निकलते हैं, याद रखना आपको। मेज क्या होता है, नॉन टिलर प्लांट होता है। कोई प्रकार, हिंदी में बोलते हैं कल्ले, तो मेज के अंदर कोई कल्ले नहीं फटते, यहाँ पर कोई टिलर्स नहीं आते। मेन इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी सीरियल क्रॉप्स होती है, सबसे ज़्यादा जो हाइएस्ट पोटेंशियल होता है या फिर ईल्ड होती है या प्रोडक्टिविटी होती है वो किसकी ज़्यादा होती है, मक्का की। तो मक्का को हम क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ सीरियल कहते हैं। मक्का को हम क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ सीरियल, है ना, क्वीन ऑफ सीरियल कहते हैं। क्यों कहते हैं क्वीन ऑफ सीरियल, क्योंकि ये क्या होती है, इसका जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है ना। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा, क्विंटल पर हेक्टर में जितनी भी सीरियल क्रॉप्स होती है सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, मक्का की होती है। इसको हम क्वीन ऑफ सीरियल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेज जो ग्रेन्स होता है, मक्का के जो दाने होते हैं, मेज ग्रेन्स, उनके अंदर 70% हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, 4% हमको क्या मिलेगा, ऑयल मिलेगा, और 10% हमको क्या मिलेगी, प्रोटीन। तो मक्का के जो ग्रेन्स होते हैं 10% क्या होती है, प्रोटीन होती है, ठीक है, 4% ऑयल होता है, और 70% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट एक क्या आता है कि हमारी जो सीरियल क्रॉप्स होती है, सीरियल क्रॉप्स आ रहा है, अनाज वाली फसलें हैं, सीरियल क्रॉप्स में क्या होता है, वो लाइसिन अमीनो एसिड डेफिशिएंट होती हैं। जितनी सीरियल क्रॉप्स होती हैं, जितनी भी सीरियल क्रॉप्स हैं, उन सभी में लाइसिन अमीनो एसिड की क्या होती है, कमी पाई जाती है। जैसे कौन कौन सी, व्हीट है, मेज है, राइस है, आ रहा समझ में, इसका ज्वार है, बाजरा है, जितनी भी हमारी हैं, जितनी भी सीरियल क्रॉप्स होती है उनके अंदर यूनिवर्सली किसकी कमी होती है, लाइसिन की कमी होती है। लेकिन मक्का जो क्रॉप है, मेज जो क्रॉप है, उसमें किसकी कमी होती है, लाइसिन के साथ साथ ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की भी कमी होती है। ऐसे जो मेज प्रोटीन होती है, मेज प्रोटीन को क्या बोलेंगे हम, जीन, तो उस प्रोटीन कैसे बनती, अमीनो एसिड। तो मक्का की जो प्रोटीन है, आपको दो अमीनो एसिड की कमी नहीं मिली, बाकी सभी सीरियल में तो एक अमीनो एसिड, बाकी सभी में तो एक अमीनो एसिड की कमी मिलेगी आपको, लेकिन मक्का के अंदर कितनी, दो अमीनो एसिड की कमी होती है, किस किस की, ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। याद रखना, मेज प्रोटीन जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। मेज प्रोटीन को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। इसमें दो किसकी कमी होती है, इसके अंदर दो प्रोटीन किसकी, अमीनो एसिड की कमी होती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि मेज जो प्लांट है, मेज की प्रोटीन को क्या बोलते हैं, जीन, है ना। इसमें दो अमीनो एसिड की कमी हो गई, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। मेज के अंदर जो मेज क्रॉप होती है हमारी, वो हाईली क्या होती है, वाटर लॉगिंग कंडीशन और ड्रॉट दोनों के लिए सेंसिटिव होती है। मतलब कि मक्का को खेती के लिए ना तो ज़्यादा अधिक पानी चाहिए ना कम पानी। अगर ज़्यादा पानी होगा तो वाटर लॉग कंडीशन हो जाएगी, खेत के अंदर जो फील्ड है हमारा वहाँ पानी भर जाएगा,
तो भी सेंसिटिव होती है। अगर कम बारिश होती है तब भी उत्पादन, मतलब मक्का जो होती है ड्रोट और किसके लिए, वाटर लॉगिंग, अधिक वर्षा और कम वर्षा दोनों के लिए क्या होती है, सेंसिटिव होती है। वाटर लॉग्ड एंड ड्रोट दोनों के लिए क्या होती है, सेंसिटिव होती है। मैंने इंपॉर्टेंट, सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील होती है, क्या होती है, संवेदनशील। अब मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अगला, कि मक्का जब बड़ा होता रहता है ना स्टार्टिंग में, तो उसमें जो मतलब सीडलिंग होता है, छोटा पौधा होता है, सीडलिंग पौधा होता है कि नहीं, उस समय जो जड़ें आती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, सेमाइनल रूट्स। क्या बोलते हैं उनको, सेमाइनल रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम, सेमाइनल रूट्स कहते हैं। ये जो सेमाइनल रूट्स होती हैं, ये जो सेमाइनल रूट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, पौधे को शुरुआती अवस्था में पोषण देने का काम करती हैं। सेमाइनल रूट्स क्या होती है, पौधे को शुरुआती अवस्था में पोषण देने का कार्य करती हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मेज जो है मोनोसियस, मैंने आपको बताया मेज क्या होता है, मोनोसियस प्लांट होता है। अब मोनोसियस का मतलब क्या होता है, ठीक है, मोनोसियस कंडीशन का मतलब क्या है ये समझना, ठीक है। मोनोसियस कंडीशन का मतलब क्या होता है, आप सभी ने मेज का प्लांट देखा होगा, ये मेज का प्लांट है। तो मेज प्लांट में जो फ्लोवर, जो मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट, क्या याद रखना आपको, कि जो फ्लोवर होता है ना, ऐसे नर भाग जो होता है ना, मेल पार्ट या फिर मेल फ्लोवर जो है, ठीक है, मेल फ्लोवर जो होता है, नर भाग को हम क्या कहते हैं, टेसल। मेल फ्लोवर को क्या बोलते हैं हम, टेसल कहते हैं। और जो फीमेल पार्ट होता है ना, जो फीमेल भाग होता है, फीमेल पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, सिल्क या फिर कोव कहते हैं ना, ये दोनों अलग अलग मिलते हैं, ये दोनों अलग अलग फ्लोवर्स पर होते हैं। फीमेल पार्ट अलग फ्लोवर पर, मेल पार्ट अलग फ्लोवर पर। बात समझ में आ गई, जो नर भाग होता है, मेल भाग होता है, वो अलग फ्लोवर पर होता है, फीमेल अलग, लेकिन प्लांट एक ही होता है। एक ही प्लांट पर देखो, ये प्लांट है, ये एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट पर मेल भाग देखो सबसे ऊपर जो होता है, ये मेल इन्फ्लोरोसेंस है और ये फीमेल इन्फ्लोरोसेंस है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। तो प्लांट एक ही, एक ही प्लांट पर जब मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोसियस। क्या बोलते हैं, कि जब मेल फ्लोवर्स और फीमेल फ्लोवर्स प्रेजेंट आर डिफरेंट बट सेम प्लांट, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लोवर्स, अलग अलग पुष्प होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोसियस कंडीशन कहते हैं। तो मेज क्या होता है, मोनोसियस कंडीशन होता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। ठीक है, याद रखना, मक्का में जो मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है, आपसे पूछेंगे मक्का के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, टेसल। नर पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, तो मेल इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, टेसल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेसल कहते हैं। और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, सिल्क या कोप कहते हैं। ठीक है, अब मेज जो प्लांट है, मेज इज वार्म वेदर क्रॉप है, मतलब खरीफ सीजन की क्रॉप होती है, जनरली वार्म वेदर क्रॉप होती है। वार्म वेदर का मतलब थोड़ा गर्म जलवायु चाहिए, एंड रिक्वायर्ड वार्म नाइट टेम्परेचर फॉर हायर यील्ड। अगर हमको अधिक उत्पादन चाहिए तो जो नाइट होती है वो थोड़ा गर्मी वाली होनी चाहिए, कहने का मतलब हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वाली कंडीशन इसको चाहिए, है ना। ज़्यादा ह्यूमिड तो नहीं चाहिए, लेकिन नाइट जो है थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए ताकि उत्पादन ज़्यादा निकले। मेज की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, जल मांग कितनी होती है, 500 से लेके 800 एमएम होती है। मेज की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है 500 से लेके 800। इफ़ मेज इज सोइंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इफ द हेल्प टू अगेमोट द ग्रेन प्रोडक्टिविटी ड्यू टू द ग्रेटर, जैसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हम सोइंग करते हैं ना, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मतलब ऐसे, ठीक है, इधर से, तो इधर से है ना ईस्ट डायरेक्शन, सॉरी ईस्ट डायरेक्शन ये, और ये वेस्ट डायरेक्शन है ना, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सोइंग करते हैं, इससे हमारा फायदा क्या होता है, कि ज़्यादा सनलाइट जो होती है ज़्यादा मिलती है और प्रोडक्शन ज़्यादा आता है। तो आपसे पूछेंगे एग्जाम में कि हम मक्का की सोइंग, मेज की सोइंग किस डायरेक्शन में करें जिससे हमको प्रोडक्शन ज़्यादा मिले, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सोइंग करने से प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट अपना, ठीक है ना। क्या होता है, इफ़ ए पर्सन हु ओनली डिपेंड ऑन मेज, जिससे क्या हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति लगातार मक्का खाता है, अगर कोई व्यक्ति क्या होता है लगातार क्या खाता है, मक्का ही मक्का खाता है, मक्का की रोटी खाता है, वो गेहूँ खाता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, मक्का की रोटी खाता है, तो उसको एक बीमारी हो जाती है, वो है पेलेग्रा। कौन सी बीमारी हो जाती है, पेलेग्रा। कारण क्या होता है कि उसमें विटामिन की क्या होती है, कमी हो जाती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति लगातार मक्का की रोटी खाता है, मक्का पर ही डिपेंड है, तो उसको कौन सी बीमारी हो जाती है, पेलेग्रा हो जाती है, क्योंकि उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या नियासिन की कमी हो जाती है, और साथ साथ में ट्रिप्टोफैन भी कम होता है। इनकी सभी कमी के कारण क्या होता है, उसके अंदर पेलेग्रा नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो नर पुष्प होता है, मेल फ्लोवर जो कहाँ होता है, सबसे टॉप पर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको टेसल कहते हैं। बात समझ में आ रही, मेल इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलेंगे, टेसल। द टर्मिनल मेल फ्लोवर्स क्लस्टर्स आर कॉल्ड द टेसल। इट इज ब्रांच्ड पेनिकल बियरिंग ऑफ पोलन
और स्टेमिनेट फ्लावर, मतलब ये सबसे ऊपर आपको जहाँ पर मिलेगा ये, तो ये मेन इनफ्लोस है यहाँ पर, है ना। ये मेल फ्लावर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, टेसल, टेसल कहते हैं। यहीं पर आपको क्या मिलेगा, स्टेमन मिलेगा, पोलन ग्रहण कहाँ बनेंगे, सब सुपर बनते हैं। आपसे पूछेंगे मक्का के अंदर नर पुष्प कहाँ बनते हैं, तो मक्का के अंदर मेल फ्लावर्स कहाँ पर ये होते हैं, तो पोलन ग्रहण भी यहीं पर बनेंगे। पोलन ग्रहण जो बनेंगे वो कहाँ पर बनेंगे, यहीं पर बनेंगे, है ना। मक्का के अंदर एक इम्पोर्टेंट और चीज़ है क्या, अगर हमको हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है, हमको क्या करना है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है, तो जब भी हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं, तब इस मेल पार्ट को हटा दिया जाता है ना, इस मेल पार्ट को काट कर हटा, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं हमको। अगर जिस प्लांट को हम फीमेल की तरह यूज करना चाहते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, हम जिस प्लांट को फीमेल की तरह यूज करना चाहते हैं, तो उसके मेल पार्ट को हटा देते हैं। तो मेल पार्ट को हटाना, रिमूव करना क्या कहलाता है, डिटेसलिंग। मेल पार्ट को हटाना क्या कहलाता है, डिटेसलिंग। तो टेसल को आना डिटेसलिंग, रिमूव ऑफ मेल फ्लावर इज इक्वल टू, एक प्रकार का क्या है, इमस्कुलेशन है ये, क्या है, एक प्रकार का इमस्कुलेशन। बात समझ में आ रही है, एक प्रकार का क्या है, तो आंसर इमस्कुलेशन है, क्लियर। इमस्कुलेशन मतलब होता है कि भाई मेल फ्लावर को रिमूव करना, मेल पार्ट को हटाना, तो हटा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिटेसलिंग। टेसल को हटाना क्या बोलेंगे, डिटेसलिंग इसको बोला जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक चीज़ और, क्या मैंने आपको अभी बताया कि मेज के अंदर मेल पार्ट टेसल होता है, फीमेल पार्ट सिल्क होता है, तो इसमें दोनों में से पहले कौन सा आता है ना, दोनों में से पहले कौन परिपक्व होता है, ठीक है। तो इधर सुनना आप, पहले कौन आता है, मेल फ्लावर, ठीक है। मेज के अंदर क्या होता है, जो मेल फ्लावर्स होते हैं ना, मेल पार्ट, मेल पार्ट जो टेसल है वो पहले क्या होता है, परिपक्व होता है। पहले क्या आता है, पहले मैच्योर होता है, ठीक है। किससे, फीमेल पार्ट से, जो फीमेल पार्ट होता है उससे। फीमेल पार्ट कौन होता है, सिल्क का हो या कोप का हो या पिस्टिल, है ना, इसको पिस्टिल, ध्यान से सुनना। जब एक, तो इसको कहते हैं हम प्रोटो एंट्री कंडीशन, क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोटो एंट्री, ठीक है ना। देखो प्रोटो एंट्री कंडीशन आपको मक्का के अंदर मिलेगी। प्रोटो एंट्री कंडीशन क्या होती है कि जब मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर से पहले मैच्योर होता है ना, मेल फ्लावर मतलब स्टेमंस, ठीक है ना, जो मेल पार्ट होता है स्टेमन, मैच्योर बिफोर, मैच्योर बिफोर पोल, बिफोर पिस्टिल, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको, पिस्टिल, कि जब मेल फ्लावर जो होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पहले मैच्योर होते हैं, पहले परिपक्व होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटो एंट्री कंडीशन कहते हैं। और ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगी मक्का के अंदर। प्रोटो एंट्री कंडीशन हमको कहाँ मिलेगी, तो आंसर मेज के अंदर हमको ये मिलेगी, क्लियर। अब आगे बात करते हैं हम, मेज को क्या बोलते हैं, मेज इज द बैकबोन ऑफ अमेरिका। मेज क्या है, तो आंसर है अमेरिका की बैकबोन है। मेज इज द बैकबोन अमेरिका की, क्या है, रीढ़ की हड्डी, क्योंकि मेज का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर, उनकी जो अर्थव्यवस्था वो मेज के ऊपर टिकी हुई है एग्रीकल्चर से। अब मैन इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ हाइब्रिड मक्का, हाइब्रिड मेज का जो आइडिया है सबसे पहले किसने दिया, ईएमईस्ट और सल, दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1910 में ये आइडिया दिया क्योंकि हमको हाइब्रिड मेज बनाना चाहिए, ईएमईस्ट एंड जीएस सल ने हाइब्रिड। तो आपसे पूछेंगे कि हाइब्रिड मेज उत्पादन का, हाइब्रिड मेज प्रोडक्शन का जो आइडिया है वो किसने दिया, तो उन्होंने दिया किसने, ईएमईस्ट और जीएस सल के द्वारा दिया गया 1910 में, ठीक है। किस, कब दिया, तो आंसर 1910 में दिया गया। भाई कौन सी टेक्निक, सिंगल क्रॉस टेक्निक, किस टेक्निक, तो आंसर है सिंगल क्रॉस टेक्निक के द्वारा ये आइडिया दिया गया, क्लियर है बात समझ में। आपसे पूछेंगे कि मेज हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले जो आइडिया दिया था वो किसने दिया था, तो उन्होंने किसने, किस किसने दिया था, तो ईएमईस्ट एंड जीएसएल ने 1910 में दिया था। कौन सी टेक्निक बताई उन्होंने, उन्होंने बताई सिंगल क्रॉस टेक्निक अमंग द इनब्रीड लाइन्स यूज, ठीक है। और ये जो मेथड है, याद रखना आपको, अमेरिका में इसी मेथड से हाइब्रिड सीड बनाए जाते हैं, ठीक है। अब ये सिंगल क्रॉस टेक्निक क्या होती है, इसको समझते अपन, है ना। और भारत के अंदर कौन सी टेक्निक करते हैं, देखो आगे समझो। अब इंडिया के अंदर देखो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, क्या होता है, पहले समझना आप। सिंगल क्रॉस टेक्निक का मतलब क्या होता है, सिंगल क्रॉस टेक्निक का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड सीड बनाने की जो सिंगल क्रॉस टेक्निक होती है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है देखो कि जब हम दो इनब्रीड का क्रॉस कराते हैं, जब हम दो इनब्रीड का क्रॉस कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे बोला जाता है सिंगल क्रॉस टेक्निक। अब आपके दिमाग में सर इनब्रीड क्या है, तो इनब्रीड क्या होता है, देखो मक्का का प्लांट क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड है। अगर हम उस मेज के प्लांट में, मक्का जो क्रॉस पोलिनेटेड है, अगर हम उसमें सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं, अगर किसी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में सेल्फिंग कराते हैं, ध्यान से सुनना, अगर किसी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है ना, कोई क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है
हिंदी में कहते हैं आप, कोई परंपरागत पुष्प है ना, फसल है, उसमें आप क्या कराते हो, सेल्फिंग कराते हो, उससे जो प्रोजेनी हमको मिलेगी वो होती है इनब्रिड। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में सेल्फिंग के बाद जो हमको मिलता है वो क्या होती है, इनब्रिड। तो देखो इनब्रिड लाइन इज प्योर लाइन डेवलप्ड बाई सेल्फ पोलिनेशन, बताया ना आपको, सेल्फ पोलिनेशन एंड सिलेक्शन अपियर होमोजाइगस प्लांट। ठीक है, तो इनब्रिड क्या होते हैं, होमोजाइगस होते हैं, कैसे मिलते हैं हमको, तो आंसर है सेल्फ पोलिनेशन कराओगे आप। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में जब हम सेल्फिंग कराते हैं तो हमको क्या मिलती है, इनब्रिड लाइन। तो हमको ऐसे दो इनब्रिड बना लिए, अलग अलग पेरेंट की दो इनब्रिड बना लिए, उन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल क्रॉस टेक्निक कहते हैं। ये तो हो गया अमेरिका के अंदर। ठीक है, इसके बाद डीएफ जोन्स आए। ठीक है, डीएफ जोन्स ने 1920 में क्या दिया, हमको हम मक्का के अंदर डबल क्रॉस हाइब्रिड भी बना सकते हैं, क्या बनाया, डबल क्रॉस टेक्निक, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की कौन सी टेक्निक, डबल क्रॉस टेक्निक। क्लियर, तो ईएम ईस्ट और जीएस चलना तो सिंगल क्रॉस टेक्निक दी, इन दोनों ने कौन सी दी, डबल क्रॉस टेक्निक, इन दोनों कौन सी दी, डबल क्रॉस टेक्निक सबसे पहले दी। अब ये डबल क्रॉस क्या होता है, देखो डबल क्रॉस क्या होता है, जैसे ये सिंगल क्रॉस है, डबल क्रॉस क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, ये सिंगल क्रॉस है, उसी प्रकार एक और सिंगल क्रॉस, तो हम दो सिंगल क्रॉस के बीच करो ना, सिंगल क्रॉस इंटू सिंगल क्रॉस। ठीक है, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, तो यहाँ पर ए इंटू बी, ये वाला सिंगल क्रॉस, यहाँ पर दूसरा सिंगल क्रॉस सी इंटू टू, आ रहा समझ में, तो दो सिंगल क्रॉस के बीच क्रॉस कराना क्या होता है, डबल क्रॉस टेक्निक, क्या होती है, डबल क्रॉस। तो इंडिया के अंदर याद रखना, भारत के अंदर किस टेक्निक से हाइब्रिड बनाया जाता है, तो इंडिया के अंदर डबल क्रॉस टेक्निक से हाइब्रिड बनाए जाते हैं। डबल क्रॉस टेक्निक क्या होती है, दो सिंगल क्रॉस के बीच, ये सिंगल क्रॉस एक दूसरा सिंगल, दो सिंगल क्रॉस के बीच को क्या बोलेंगे हम, तो आंसर है डबल क्रॉस टेक्निक कहते हैं, डबल क्रॉस हाइब्रिड कहते हैं। तो भारत के अंदर कौन सा यूज किया जाता है, डबल क्रॉस। इंडिया के अंदर कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, तो भारत के अंदर डबल क्रॉस टेक्निक सबसे पहले सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। क्लियर है, आपसे पूछेंगे इंडिया के अंदर मक्का की हाइब्रिड बनाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, तो आपको बताना है कि मेज की कौन सी डबल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक इंडिया के अंदर यूज की जाती है। डबल क्रॉस टेक्निक जो है किसने दी थी, तो डबल क्रॉस टेक्निक दी थी किसके द्वारा, डी एफ जोन्स ने 1920 में दी थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आजकल पूछा गया है, ये खरपतवार है ना, ये नया खरपतवार देख रहा है आपको, थियोसिनेट है ना, थियोसिनेट इज द वाइल्ड ग्रास है, जंगली क्या ग्रास है, इज द क्लोजेस्ट वाइल्ड रिलेटिव ऑफ मॉडर्न मेज। एक एग्जाम है कि मक्का का सबसे नज़दीकी जंगली प्रजाति कौन सी है, सबसे ज़्यादा वाइल्ड रिलेटिव क्लोजेस्ट फॉर्म कौन सा है, ये मक्का है, तो मक्का का जंगली प्रजाति कौन सी है, जो मक्का से बहुत जैसे इंसान, इंसान का कौन है, चिंपांजी, उसी प्रकार मक्का का जंगली प्रजाति जो उसकी क्लोजेस्ट फॉर्म है वो कौन सा है, थियोसिनेट, कौन सा है, तो आंसर थियोसिनेट है, क्लोजेस्ट है। इसके बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ, मक्का की ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए वो कितना चाहिए, 2700 कितना, 32 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम, कितना 32, या फिर रेंज बोलें तो 27 से लेकर 32। तो मक्का के उत्पादन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर हमको चाहिए वो कितना होता है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और अंकुरण के लिए टेम्परेचर, जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 18 से लेकर 21, जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर है वो हमको कितना चाहिए, 18 से लेकर 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता, ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए 32 और जर्मिनेशन के लिए, अंकुरण के लिए, ठीक है, बीज अंकुरण के लिए जो हमको तापमान चाहिए सीड जर्मिनेशन के लिए, ठीक है ना, बीज अंकुरण के लिए जो हमको तापमान चाहिए, तो बीज अंकुरण के लिए तापमान, तो बीज अंकुरण के लिए जो तापमान है कितना चाहिए हमको, 18 से लेकर 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। क्लियर है, आगे बात करते हैं हम, मक्का के अंदर कौन सा हर्बिसाइड बीज आता है, मक्का के अंदर अगर हमने सिर्फ ओनली खेत के अंदर मक्का हमने बो रखी है, तो मक्का के अंदर हम कौन सा हर्बिसाइड प्रूफ, तो एट्राजिन सेमाजिन, कौन सा, एट्राजिन एंड सेमाजिन, मक्का के अंदर सोल अगर हम ओनली मक्का के लिए हमने बोई है तो हम एट्राजिन सेमाजिन का यूज करते हैं एज ए प्री इमरजेंस। ठीक है, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड कौन से, एट्राजिन सेमाजिन का यूज किया जाता है। अगर हमने मेज को इंटरक्रॉपिंग के रूप में है ना, मेज को हम उड़द के साथ बो सकते हैं, ठीक है, ग्रीन ग्राम के साथ बो सकते हैं, अगर हम मक्का को हमने किसके रूप में लगाया, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में, तो हम किसका उपयोग करेंगे, एलाक्लोर। अगर हमने मक्का को उड़द के साथ लगाया, मक्का प्लस उड़द का इंटरक्रॉपिंग सिस्टम लिया ना, मेज प्लस मक्का का और उड़द का, ठीक है, खरीफ सीजन में दोनों को साथ बोया, तो हमको कौन सा हर्बिसाइड यूज करना चाहिए, एलाक्लोर। तो सुटेबल हर्बिसाइड फॉर मेज इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग में कौन सा, तो आंसर एलाक्लोर का यूज करना चाहिए। ठीक है, रबी जो मक्का होती है बिहार के अंदर क्या होता है, बिहार, ठीक है, बिहार में रबी मक्का का उत्पादन ज़्यादा होता है, कहाँ पर, बिहार के अंदर, और राजस्थान में भी होता है एक डिस्ट्रिक्ट में बांसवाड़ा के अंदर। इसके बाद मक्का में एक बीमारी होती है व्हाइट बर्ड,
ठीक है। मक्का में एक बीमारी होती है, बीमारी क्या होती है, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। जिंक की कमी से ऊपर वाली जो कलिका होती है क्या बन जाती है, सफ़ेद, तो व्हाइट बर्ड इन मेज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ जिंक। जिंक की कमी से क्या होता है, व्हाइट बर्ड हो जाती है। द एपिकल लीव्स बिकम्स व्हाइट, यील्ड पोटेंशियल इज मोर देन रबी। आ रहा समझ में? तो ऊपर की जो है ना, सबसे ऊपर वाली जो पत्ती हो जाती क्या पड़ जाती है, सफ़ेद पड़ जाती है। किस, तो आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि मक्का की जो व्हाइट बर्ड डिजीज होती है, सफ़ेद कली का बीमारी जो होती है, किसकी कमी से होती है, तो आंसर किसकी कमी, जिंक की कमी से होती है, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे रबी खरीफ में, रबी मक्का या खरीफ मक्का में उत्पादन किसका ज़्यादा होता है, रबी मेज का। याद रखना, रबी मेज का प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू खरीफ क्रॉप से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगला है डाउनी मिल्ड्यू, है ना। डाउनी मिल्ड्यू इज कंसिडर्ड द मेजर डिजीज। डाउनी मिल्ड्यू जो है मक्का की सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है। मेजर डिजीज कौन सी है, तो आंसर है डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है। उसी प्रकार आपसे पूछेंगे कि मेज का जो इंपॉर्टेंट पेस्ट है, इंसेक्ट पेस्ट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पेस्ट कौन सा है, तो कौन सा, स्टेम बोरर। मेज का स्टेम बोरर सबसे इंपॉर्टेंट है ना, तो मेज स्टेम बोरर जो चिलो पार्टेलस, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ना, IPSAFO में भी ये एग्जाम में अभी पूछा था। तो मेज का स्टेम बोरर चिलो पार्टेलस जो होता है इज द इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ मेज। तो बीमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है डाउनी मिल्ड्यू, और इंपॉर्टेंट पेस्ट कौन सा होता है, स्टेम बोरर होता है, ठीक। नेक्स्ट है अपना कि एक है ना जो मेज स्टेम बोरर है, मेज स्टेम बोरर है, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा हम क्या यूज करते हैं, पैरासिटोट। तो कौन सा, एपलेंटिस कोटेसिया जो है इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो होती है, इस लार्वल पैरासिटोट है जिसका यूज स्टेम बोरर को कंट्रोल करने के लिए, किसको कंट्रोल करने के लिए, स्टेम बोरर को कंट्रोल करने के लिए किया जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी सभी फसलों के क्या होते हैं, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं सभी फसलों के, है ना। तो उसी प्रकार मेज का ऑल इंडिया मेज कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ये फर्स्ट है वर्ल्ड, है ना, इंडिया के अंदर फर्स्ट AICRP, है ना, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो है, अगर है ना भारत के अंदर पहला आपसे पूछा तो किसका था, मक्का का, ठीक है। कहाँ पर, नई दिल्ली में, कहाँ पर, 1957 के अंदर इसको बनाया गया है, 1957 में ये मेज का पहला, ठीक है, मतलब सभी फसलों में सबसे पहले किसका बनाया, मक्का का। कहाँ पर, तो मक्का का है नई दिल्ली के अंदर। अगर ऐसा पूछा जाए आपसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया तो आंसर है लुधियाना। अब ये कहाँ है, लुधियाना, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेज कहाँ पर है, लुधियाना, 2014 के अंदर बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद येलो कलर, मक्का का जो येलो कलर, तो येलो कलर ऑफ मेज ड्यू टू द क्रिप्टोजेंथिन। मेज का जो येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो मक्का का येलो कलर ड्यू टू द क्रिप्टोजेंथिन के कारण मेज का येलो कलर होता है, ठीक। आपसे पूछेंगे किस पिगमेंट के कारण मक्का का पीला रंग होता है, तो क्रिप्टोजेंथिन के कारण होता है। हम मक्का की खेती तीनों सीजन में कर सकते हैं, रबी, खरीफ और जायद, तीनों सीजन में मक्का की खेती करते हैं, रबी में, खरीफ में और जायद में, समर सीजन में। मेज क्या होता है, ड्यू न्यूट्रल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मेज क्या है, ड्यू न्यूट्रल प्लांट है ना, C4 के साथ साथ में क्या है, डे न्यूट्रल है। डे न्यूट्रल को हिंदी में कहते हैं दिवस उदासीन प्लांट है। इसका मतलब होता है कि इसके जो फ्लोवरिंग होती है, पुष्पन होता है, उस पर लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं, ठीक। इसके बाद मेज की प्रोडक्टिविटी, मैंने आपको बताया था कि मेज की प्रोडक्टिविटी सभी सीरियल में सबसे ज़्यादा होती है, जितनी जो हमारी जितनी भी सीरियल क्रॉप्स होती हैं, सभी सीरियल क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, तो आंसर है मेज की होती है, ठीक है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अमंग सीरियल, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ सीरियल, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इसको हम क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ सीरियल भी कहते हैं। किस प्रकार की मिट्टी या सोइल सुटेबल होती है मेज के कल्टिवेशन के लिए, मेज की खेती के लिए किस प्रकार की सोइल बेस्ट होती है, तो मेज कि अरे सर, मेज इज बेस्ट अडेप्टेड टू द वेल ड्रेन एंड सैंडी टू सिल्ट लोमी सॉइल। अच्छा, कैसी सॉइल चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, तो कैसी चाहिए जिसके अंदर क्या हो, थोड़ा जल निकास की सुविधा अच्छी हो, साथ साथ में आ रहा सर, वेल ड्रेन एंड सैंडी लोमी टू सिल्ट लोमी सॉइल को चाहिए जिसका pH 5.5 से 7.5 होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखना मेज के अंदर है ना जो फीमेल पार्ट होता है, जिसके अंदर आप जो कोब होता है, यहाँ पर देखना आप, यहाँ पर ये कोब होता है, तो ऐसे हेयर्स लटके रहते हैं, ऐसे ना हेयर्स होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, सिल्क। ये स्टाइल इज वेरी लॉन्ग सिल्की फिलामेंट वियर्स द फीमेल हेयरी क्लस्टर इज नोन एज द सिल्क। यहाँ पर जो छोटे छोटे ऐसे बाल निकले रहते हैं गोल्डन कलर्स के, इनको क्या बोलते हैं, हम सिल्क कहते हैं, क्लियर है। और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, ईयर कहते हैं, या फिर कोब, जो फीमेल पुष्पक्रम होता है, फीमेल पार्ट होता है, इसको क्या बोला जाता है, ईयर एंड कोब। द फीमेल पिस्टिलेट इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज द ईयर एंड कोब कम्स आउट फ्रॉम द नोड जनरली हाफ ऑफ द स्टेम। आपको हमेशा कहाँ मिलेगा ये जो फीमेल पार्ट है, जहाँ पर भुट्टा बनता है,
इसी को क्या होता है ईयर, ये कहाँ होता है स्टेम के आधे भाग में। तो फीमेल इन्फ्लोरोसेंस को क्या बोला जाता है ईयर या कोप कहते हैं, और मेल इन्फ्लोरोसेंस को क्या बोलते हैं हम टेसल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा, आगे पढ़ते हो। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, मेज के अंदर आपको तीन तरह की जड़ें मिलती है ना। मेज के अंदर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द रूट्स प्रेजेंट इन मेज, सेमाइनल रूट्स, ठीक है, क्राउन रूट, एक होती है ब्रैश या ट्रेड रूट। तो सेमाइनल रूट्स दो, आप देखो ये वाली जो रूट्स है ना, ये जो लास्ट इंटरनोड से निकलती है, जैसे मेज प्लांट आपने सभी ने देखा है ना, तो ऐसे होता है सबसे आखिरी में स्टेम के सबसे लास्ट इंटरनोड से निकलती है वो कौन सी होती है, ब्रैश रूट या प्रेप रूट होती है, जिनका काम होता है सपोर्ट देना, प्लांट को सपोर्ट देना। ये देखो यहाँ पर निकल रही है, आपको देख रही होंगी डायग्राम के अंदर, यहाँ पर निकलती है लास्ट इंटरनोड से जो निकल रही है, इनको कहते हैं ब्रैश रूट या प्रेप रूट, जो कि सपोर्ट देने का काम करती है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप डायग्राम, ये मेल पार्ट है, ठीक है, ये क्या है मेल पार्ट है जिसको हम टेसल कहते हैं, ये जो फीमेल पार्ट है ना, ये क्या फीमेल पार्ट है, ये जो एयर लाइक ये आपको स्ट्रक्चर देख रहे हैं गोल्डन का, ये सिल्क है, ये छिलका होता है जिसको हम हस्क कहते हैं, ये फ्रूट है, क्लियर है ना। यहाँ पर भी इस पूरा डायग्राम में देखो आप, ये टेसल है, ठीक है, ये एंथर होती है जो बाली है, एंथर है, इसके बाद ये सिल्क है, ये ईयर होता है पूरा फीमेल पार्ट ईयर होता है, ये कॉर्न सीड है, ठीक है, ये लीफ ब्लेड है पत्ती, ठीक है, ये लीफ सीथ है, ये स्टेम है पूरा, ठीक है ना। यहाँ पर निकलती है ब्रश रूट, और कौन कौन सी सेमाइनल और क्राउन रूट्स भी होती हैं, और कौन कौन सी होती है सेमाइनल रूट्स और क्राउन रूट्स, ठीक है ना। तो डायग्राम में अपन देखते हैं सेमाइनल रूट्स और क्राउन रूट्स। तो यहाँ पर ये सेमाइनल रूट्स है ना, ये वाली देखो स्टार्टिंग में जो निकलती है ना, ये वाली मैंने जो ब्लैक ब्लैक बनाया ना, ये सेमाइनल रूट्स हैं, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में सपोर्ट देने का काम करती हैं ये वाली। इसके बाद है ना एक और कौन सी होती है हमारी क्राउन रूट, है ना, एक और कौन सी है क्राउन रूट। तो देखो सेमाइनल रूट से थोड़ा ऊपर, मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ, सेमाइनल रूट से ऊपर थोड़ा ये जो है ना, जो रेड कलर की जो मैंने बनाया रेड कलर का, ये हमारी क्राउन रूट है, ठीक है। रेड कलर से जो अपन ने बनाया वो क्या है क्राउन रूट है ना, कौन सा रूट क्राउन रूट, और जो अपन ने ब्लैक से बनाया वो कौन सा सेमाइनल। तो सेमाइनल रूट्स क्या करते हैं अर्ली स्टेज में क्या करेगा, प्लांट को नरिशमेंट करने का काम करते हैं, बाद में कौन हो जाते हैं क्राउन रूट हो जाते हैं। ऊपर सबसे ऊपर कौन से होते हैं ब्रश रूट होते हैं ऊपर, ठीक है, ये वाले यहाँ पर है ना, ये सबसे ऊपर निकले रहते हैं यहाँ से। इसको अपन दूसरे कलर से लेते हैं, देखो इस कलर से, तो यहाँ से जो निकलते हैं ना ये वाले, ये तो कौन से होते हैं ब्रश रूट होते हैं। आपको क्लियर हो गया तीनों, सबसे नीचे तो सेमाइनल रूट्स हैं, ये सबसे नीचे ब्लैक कलर में, रेड कलर में अपन ने बनाया क्राउन रूट्स, ठीक है। ब्रश रूट यहाँ से लोअर इंटरनोड से निकलते हैं वो क्या होते हैं, तो आंसर है ब्रश रूट होते हैं, क्लियर। अब मेज का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना मेज क्लासिफिकेशन, इट मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेज ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, है ना, किसके बेसिस पर, एंडोस्पर्म कैरेस्टेटिक। तो इंस्ट्रूमेंट नाम के एक वैज्ञानिक है जिसने क्लासीफाई किया 1899 आर। तो अलग अलग मेज की जो प्रजातियां स्पीसीज उनको क्लासीफाई किया, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। क्या क्या ऐसे मेज का है, पहला है डेंट कॉर्न, कॉमन नेम क्या है डेंट कॉर्न, आपसे पूछेंगे कि डेंट कॉर्न मेज का साइंटिफिक नेम क्या होता है, जीएमएच इंडेंटाटा, क्या होता है जीएमएच इंडेंटाटा, डेंट कॉर्न का जो साइंटिफिक नेम होता है जीएमएच इंडेंटाटा, ठीक है। अब इसकी खेती सबसे ज़्यादा कहाँ करते हैं, यूएसए, याद रखना आपको दो पॉइंट याद रखना है कि अमेरिका में कौन सी मक्का की खेती करते हैं और भारत के अंदर किसका करते हैं। तो इंडिया में किसकी ज़्यादा करते हैं, तो इंडेंटाटा की, है ना, डेंट कॉर्न की। इसको डेंट क्यों कहते हैं कि जब ये है ना इसका जो कॉर्न सीड होता है वो दांत की तरह होता है, द कर्नल्स ऑफ द डेंट कॉर्न आर अपीयर लाइक ए टूथ नेम्ड सो डेंट कॉर्न, डेंट मतलब होता है दांत, तो इसका जो दाना होता है थोड़ा दांत की तरह होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं डेंट कॉर्न। डेंट कॉर्न की खेती मक्का की जो है अमेरिका में यूएसए में सबसे ज़्यादा की जाती है। दूसरा होता है फ्लंट कॉर्न, दूसरा कौन सा होता है फ्लंट कॉर्न, जीएमएच इंडुराटा, है ना, जीएमएच इंडुराटा जो फ्लंट कॉर्न होता है, क्लियर है। तो इसकी खेती कहाँ की जाती है, इंडिया में, ठीक है। इट्स कर्नल इज हार्ड, इसका जो दाना होता है वो हार्ड होता है, स्मूथ होता है, इसकी कल्टीवेटेड इन इंडिया, भारत के अंदर इसकी खेती ज़्यादा की जाती है। तो आपसे पूछेंगे डेंट कॉर्न की खेती अमेरिका में और फ्लंट कॉर्न की खेती इंडिया में की जाती है। इसके बाद होता है स्वीट कॉर्न, मीठी मक्का है ना, स्वीट कॉर्न, जीएमएस सेगराटा, स्वीट कॉर्न का नाम क्या होता है जीएमएस सेगराटा, ठीक है। इसका कैनिंग इंडस्ट्री में जो मेज से जो बिस्किट है दूसरी चीज़ें बनाई जाती है उनका यूज किया जाता है, तो कैनिंग इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। आपको याद रखना है किस इंडस्ट्री में, तो आंसर है कैनिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि मीठी है तो इससे जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे इंडस्ट्री के अंदर वो यूज बनाए जाएंगे।
नोन एज द स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न कर्नल्स प्रेजेंट ए ट्रांसलेंट एंड हॉर्नी अपीयरेंस बिफोर मैच्योरिटी। दिस कॉर्न इज चीपली कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस कर्नल फॉर द कैनिंग इंडस्ट्री। कैनिंग मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कि बेकरी इंडस्ट्री में, जो भी इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, मक्का का इसका यूज किया जाता है बिस्किट्स बनाने में, जो भी आइटम्स बनाए जाते हैं उसका। अगला हमारा फ्लोर कॉर्न, ठीक है, GMH MILACEA। फ्लोर कॉर्न का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो फ्लोर कॉर्न का नाम होता है GMH MILACEA। कर्नल्स एलमोस्ट इंटायरली कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट स्टार्च सुगबिंदा। सॉफ्ट कॉर्न आ रहा था, एक प्रकार से क्या होती है, सॉफ्ट होती है, बहुत ही आटा बनाने के लिए आप कह सकते हो। इसके बाद अगली स्पीसीज कौन सी है, ठीक है, इसके बाद फ्लोर कॉर्न के बाद अपना पॉपकॉर्न। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं पॉपकॉर्न जो होता है GMAGBATA। जब आप गए होंगे पिक्चर वगैरह देखने के लिए, आप कहीं भी पॉपकॉर्न खाए होंगे, जब इसके कर्नल्स को हम हीट किया जाता है तो क्या हो जाता है, फूल जाता है। हम जब मक्का के दानों को जब हीट करते हैं तो अगर फूल जाते हैं, आपने देखा होगा, तो उसको बोलते हैं पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न का नाम क्या है, GMAGBATA, ठीक है। इसके बाद वैक्सीकॉर्न, जिससे हमको वैक्स मिलती है, आ रहा है, मोम मिलती है, वैक्सीकॉर्न का नाम होता है GMAGCARITINA, ठीक है। क्या नाम होता है, GMAGCARITINA। द वैक्सीकॉर्न कैरियोप्सिस हैज टू लेयर्ड एंडोस्पर्म एंड इट इज यूज टू प्रोड्यूस स्टार्च, ठीक है। तो कभी कभी पूछते हैं पेपर इंडस्ट्री में इस मक्का का किस में यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, जैसे हमको स्टार्च मिलता है, ठीक है, मोम टाइप का, तो इसका यूज किस में करते हैं, तो स्टार्च इसका यूज करते हैं पेपर इंडस्ट्री में, इसका यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा होता है पॉडकॉर्न। अगला कौन सा होता है, पॉडकॉर्न। अब ये पॉडकॉर्न, ये भी आपसे पूछ, ये होती है प्रिमिटिव, ठीक है, मतलब आदिम प्रकार की प्रिमिटिव टाइप की मेज होती है, GMH TUNICATE या फिर GMH JUNIGATA, है ना, इसके जो नाम होते हैं GMH TUNICATE या GMH JUNIGATA। हस्कड होता है प्रिमिटिव टाइप, याद रखना कौन सी मक्का है, तो प्रिमिटिव टाइप मेज है, कौन सी है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ मेज होती है, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम वेराइटी की, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वेराइटी है इसकी, मक्का की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, ये सारी स्पीसीज हो गई। अब एग्जाम में वैरायटीज पूछी जाती है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैरायटीज है। तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया, आपको याद रखना कि भारत में पहली बार 1961 में, ठीक है, 1961 में 1961 याद रखना, ये वाला जो ईयर आपको याद रखना है, 1961 में मक्का के पहली बार चार हाइब्रिड रिलीज किए गए। कितने, चार हाइब्रिड रिलीज किए गए पहली बार, कौन कौन से, गंगा वन, गंगा 101, गंगा वन है, गंगा 101 है, डेक्कन रंजीत, ये चार हाइब्रिड 1961 में भारत में रिलीज की गए, गंगा 1, गंगा 101, डेक्कन और रंजीत, क्लियर। अब इसके बाद अगली वैरायटी की बात करते हैं, ये तो हो गया 1961 में, इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद देखो माही कंचन, ठीक है ना, माही कंचन, माही धवन वैरायटी जो एकदम मेज, ठीक है, राजस्थान की। इसके बाद टॉप क्रॉस वैरायटी कौन कौन सी, मक्का की टॉप क्रॉस वैरायटी गंगा 2 हाई स्टार्च की होती है, टॉप क्रॉस होती है। टॉप क्रॉस का मतलब होता है कि इनब्रिड, जब हम इनब्रिड का क्रॉस किसी ओपन पोलिनेटेड वैरायटी से कराते हैं तो इसको बोलते हैं टॉप क्रॉस, क्या कहते हैं इसको, हम टॉप क्रॉस कहते हैं, क्लियर है। जब किसी हम ओपन पोलिनेटेड वैरायटी का क्रॉस, इनब्रिड का क्रॉस कराते हैं, इसको हम टॉप क्रॉस कहते हैं। तो टॉप क्रॉस वैरायटी कौन कौन सी होती है, गंगा 2 और हाई स्टार्च होती है। इसके बाद कंपोजिट, ठीक है ना, कंपोजिट वैरायटी, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम है। 1967 में 6 कंपोजिट वैरायटी, विजय, विक्रम, अमर, किसान, जवार, सोना, याद रखना आपको ना, विक्रम, विजय, अमर, किसान, जवार, सोना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इन वैरायटियों से कि मक्का की कौन सी वैरायटी क्या है, कंपोजिट वैरायटी है। इसके बाद कंपोजिट वैरायटी फॉर अर्ली ड्यूरेशन, प्रताप, अगेटी 67, कंचन, लक्ष्मी, तरुण। अब इसके बाद देखो मक्का के अंदर किसकी कमी होती है, लाइसिन की, ना, लाइसिन रिच। तो 1971 में एक जीन का यूज करके, एक जीन डाली गई, OPIC2 जीन, कौन सी, OPIC2 जीन का यूज करके कंपोजिट वैरायटी बनाई गई, जिसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी थी, 4%, लाइसिन की मात्रा कितनी, 4%। शक्ति रतन, ठीक है, शक्ति रतन आर रिलीज दिस वैरायटी, ठीक है। तो इसके अंदर देखो मक्का के अंदर लाइसिन की भी कमी होती है, ट्रिप्टोफैन, तो हमने कौन सी जीन का यूज किया, तो आंसर OPIC2, याद रखना, किस जीन का, OPIC2, याद रखना, एग्जाम में पूछेंगे OPIC2 जो जीन होती है किस किस की कमी को पूरा कर पाती है, तो ये लाइसिन और ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड की कमी होती है मेज के अंदर, उनकी कमियों को पूरा करती है। तो इसका यूज करके शक्ति और रतन नाम की जो वैरायटी बनाई गई, ठीक है। अगली कौन कौन सी वैरायटी है देखो, फिर हमने बनाई क्वालिटी मेज प्रोटीन, है ना, QPM वैरायटी, क्वालिटी प्रोटीन QPM 1961 में किसका यूज करके, OPIC2 जीन का, है ना, OPIC2 जीन का यूज करके, हाई लाइसिन ट्रिप्टोफैन, इनके अंदर लाइसिन भी ज़्यादा था और ट्रिप्टोफैन भी ज़्यादा था।
अभी जो शक्ति और रतन हमने पढ़ी, तो शक्ति रतन में लाइसिन ज़्यादा है, ट्रिप्टोफैन थोड़ी बहुत था, लेकिन इसके अंदर ट्रिप्टोफैन भी ज़्यादा है और लाइसिन भी ज़्यादा है दोनों। शक्तिमान वन, शक्तिमान टू एंड HQPM1, ठीक है, HQPM1 है, शक्तिमान वन है और शक्तिमान टू है। इसके बाद द हाइब्रिड वेराइटी जो है, द वेराइटी अफ्रीकन टोन, अफ्रीकन टोल, प्रताप चरी, वो J106, ये सब चरी के लिए ना, किसके लिए, फोडर के लिए, आप समझ सकते हो किसके लिए, चरी के लिए, फोडर के लिए रिकमेंडेड की जाती है। मेज की जो स्वीट वैरायटी होती है, स्वीट मक्का की, मतलब मीठी मक्का की जो वैरायटी होती है, स्वीट मेज की वैरायटी, माधुरी, ठीक है, प्रिया, पंजाब स्वीट, ये सभी क्या होती है, इंपॉर्टेंट वैरायटी। अब एग्जाम में पूछा जाता है सीड रेट, तो मक्का की सीड रेट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि बहुत ज़्यादा पूछते हैं। देखो कंपोजिट मेज की सीड रेट आपसे पूछेंगे कि कंपोजिट मक्का की बीज दर होती है कितनी होती है, वो होती है 18 से लेकर 20 केजी। कितनी होती है, कंपोजिट मक्का की जो सीड रेट होती है 18 से लेकर 20 केजी पर हेक्टर होती है। हाइब्रिड मक्का की सीड रेट 25 केजी, हाइब्रिड मक्का की सीड रेट कितनी होती है, 25 केजी पर हेक्टर। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है ना, हाइब्रिड मेज की सीड रेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, कितनी होती है, 25 केजी। फोडर पर्पज, तो आंसर 40 से लेके, अगर हम फोडर पर्पज की लगाते हैं 40 से लेके 45 केजी। इसके बाद रबी मेज, तो 25 से लेके 30, रबी मक्का की सीड रेट 25 से 30। और ड्रिलिंग मेथड में कितना, 4 केजी। आपको सभी याद रखना है कि भाई अलग अलग, कंपोजिट मक्का की 18 से 20 होती है, हाइब्रिड की 25 होती है, फोडर मक्का की 40 से लेके 45, फोडर मक्का की कितनी होती है, 40 से लेके 45 केजी पर हेक्टर होती है। रबी मक्का की कितनी होती है, 25 से लेके 30, रबी मक्का की जो सीड रेट होती है कितनी होती है, 25 से लेके 30 होती है। और डिबलिंग की कितनी होती है, 4 केजी, डिबलिंग में कितनी होती है, 4 केजी सीड रेट होती है। स्पेसिंग कितनी होती है, तो देखो स्पेसिंग 60x20, खरीफ सीजन के लिए रो इंटू जो प्लांट डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 60x20 सेंटीमीटर, और रबी के लिए 50x20 सेंटीमीटर। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, खरीफ सीजन में जो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन होती है वो होती है 65 से लेकर 70,000, ठीक है। खरीफ सीजन के अंदर जो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन होती है वो कितनी होती है, 65 से लेकर 70,000 होती है, ठीक है। और रबी सीजन में यही कितनी होती है, 85 से लेकर 90,000, है ना। खरीफ सीजन के अंदर 65 से 70,000 प्लांट्स पर हेक्टर, एक हेक्टर के अंदर इतने पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। और रबी सीजन के अंदर वो कितना है, 85 से लेकर 90,000 प्लांट्स पर हेक्टर। सोइंग डेप्थ, बोवाई की जो गहराई होती है वो कितनी होती है, 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर होती है। देन टेस्ट वेट ऑफ वेज, टेस्ट वेट कितना होता है मक्का का, जो टेस्ट वेट होता है देसी का और कंपोजिट का, लगभग कितना, 200 ग्राम। टेस्ट वेट का मतलब 1000 जो सीड जो होते हैं सीड, उनका जो वेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट वेट, तो लगभग कितना होता है, 200 ग्राम। और हाइब्रिड मक्का का थोड़ा दाना बड़ा होता है, हाइब्रिड मेज का थोड़ा सीड साइज में बड़ा होता है, तो उसका टेस्ट वेट कितना होता है, 285 ग्राम, उसका टेस्ट वेट कितना होता है लगभग, तो आंसर है 285 ग्राम होता है। अब सिंचाई के लिए कौन कौन सी अवस्थाएं जो होती हैं क्रिटिकल होती हैं, किसके लिए, सिंचाई के लिए। फॉर मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू, द पीरियड बिटवीन टेसल एंड सिल्क, तो आपको याद रखना टेसलिंग स्टेज और सिल्किंग कौन कौन सी, सिंचाई के लिए और न्यूट्रिएंट के लिए जो क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं, क्रांतिक अवस्थाएं, दो अवस्थाएं होती हैं, एक होती है सिल्किंग एंड टेसलिंग, कौन कौन सी, टेस्लिंग, और दूसरी कौन सी होती है, सिल्किंग। दो अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी, सिल्किंग अवस्था होती है और टेस्लिंग अवस्था होती है, जो कि किस लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्थाएं ज़रूरी होती हैं, सिंचाई के लिए या फिर न्यूट्रेंट के लिए। तो आपसे पूछेंगे कि मक्का में सिंचाई के लिए या फिर इरीगेशन के लिए जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं कौन कौन सी होती है, टेस्लिंग और सिल्किंग स्टेज होती है। आगे बात करते हैं, अब देखो वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी होती है, तो वाटर यूज एफिशिएंसी होती है 8 केजी पर हेक्टर, ठीक है। जैसे अपन पढ़ते हैं सबसे कम वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी होती है, राइस की 3.4 होती है ना, गेहूं की कितनी थी 12.6 और मक्का की कितनी होती है 8.0, ठीक है। इसको याद रखना, आपको हर क्रॉप की अलग अलग होती है। यील्ड उत्पादन, हाइब्रिड मक्का का उत्पादन लगभग 50 से लेकर 60 क्विंटल पर हेक्टर होता है, कंपोजिट का लगभग थोड़ा कम होता है, ठीक है, 40 से लेकर 50 क्विंटल पर हेक्टर होता है। और फोडर अगर हम चारी की बात करते हैं तो कितना होता है, 300 से लेकर 400 क्विंटल पर हेक्टर होता है, ठीक। अब बात करते हैं बीमारियां, ठीक है, बीमारियों को पढ़ते हैं, देखो हम बीमारियां भी पढ़ते हैं एग्रोनॉमी में, साथ साथ में जब हम क्रॉप पढ़े तो बीमारी पढ़ लो साथ में, और इंसेक्ट भी पढ़ लो। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो पहली इंपॉर्टेंट डिजीज कौन सी है, डाउनी मिल्ड्यू। सबसे महत्वपूर्ण बीमारी कौन सी होती है, डाउनी मिल्ड्यू, जो कि किससे होती है, पर्नोस्पोरा सोरगाई, डाउनी मिल्ड्यू किससे होती है, पर्नोस्पोरा सोरगाई से। दूसरा नंबर का कौन सी होती है, चारकोल रोट, चारकोल रोट किससे होती है, मैक्रोफोमिना फेसियोलाई से होती है। तीसरा नंबर का सीडलिंग रूट, तीसरे नंबर का जो होता है सीडलिंग रूट या सीडलिंग ब्लाइट,
वो होती है पाइथियम एफिनेडर्मेटम, ये तीनों फंगस हैं, सभी फंगस हैं। फिर कॉमन स्मट, कॉमन स्मट होती है ऑस्ट्रिलोगोमेडिस के द्वारा, और व्हाइट बट किसके द्वारा होती है, जिंक के द्वारा। तो ऊपर की चार तो फंगस हैं, ये चार जो इम्पोर्टेंट क्या हैं, तो आंसर ये तो क्या है, फंगस हैं, कवक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम इंसेक्ट, ठीक है, मेज के जो इम्पोर्टेंट इंसेक्ट हैं। याद रखना एक क्वेश्चन और पूछा गया है, क्या क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन ना, कि किसकी कमी से मक्का की पत्तियां रेड और पर्पल हो जाती हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल कि किसकी कमी से मक्का की पत्तियां रेड और पर्पल हो जाती हैं, तो आंसर है फॉस्फोरस की कमी। किसकी कमी, फॉस्फोरस की कमी से मक्का की पत्तियां क्या हो जाती है, रेड और पर्पल हो जाती है। अब इंसेक्ट कौन कौन से हैं, मेन इंपॉर्टेंट जो कीट होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट कीट कौन सा है, मेजिस्टम बोरर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हर एग्जाम में पूछा जाता है मेजिस्टम बोरर, चिलोपार्टिलस, क्या होता है, चिलोपार्टिलस। दूसरे नंबर का कौन सा होता है, पिंक बोरर, सीस्मिया इन्फ्रेंस, दूसरे नंबर का होता है हमारा पिंक बोरर, सीस्मिया इन्फ्रेंस होता है। तीसरे नंबर का होता है मेज सूट फ्लाई, तीसरे नंबर का कौन सा होता है, मेज सूट फ्लाई होती है, एथेरोगोना ओरिएंटिस और मेज एफिड। फोर्थ नंबर का हमारा इंसेक्ट होता है मेज एफिड, क्लियर है। तो ये चार एफिड, चार इंसेक्ट होते हैं रेफलोसिफॉर्म मेडिस, जिसमें पहला ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो आई होप आपको ये मक्का पूरा समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, इससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आप दे के आओगे, चेक करोगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एक मिनट, ठीक है ना। तो अपन नेक्स्ट क्रॉप में जो अगली क्रॉप है इसके बाद हम पढ़ेंगे परमिलेट बाजरा, इसके बाद मेज के बाद अगली क्रॉप क्या पढ़ेंगे, परमिलेट, परमिलेट के बाद अपन पढ़ेंगे ज्वार। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपके हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।